मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। संस्कृत के अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी। संस्कृत के नए अतिथि शिक्षक जो बनना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी। अब एक शाला एक परिसर में यदि विद्यालय है तो संस्कृत के शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। वो जगह खाली है, वहाँ पर अतिथि शिक्षक या परमानेंट टीचर पहले से नहीं है, तब एक साल एक परिसर में संस्कृत के अतिथि शिक्षक रखा जाएगा। यह जो आदेश आया है, सबसे पहले आप इस आदेश को देख लीजिए। यह आदेश आज का अर्थात 25 अगस्त 2022 का है। विषय एक परिसर एक शाला के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिनकी कैटेगरी 1 से 12, 6 से 12 वाले विद्यालयों में वर्ग 2 संस्कृत विषय पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था। संदर्भ संचालनालय के आदि निर्देश क्रमांक /IT/ अतिथि शिक्षक /2022-23/320 दिनांक 13 जुलाई 2022। कक्षा 9 से 12 के विद्यालय में वर्ग 1 के पद स्वीकृत हैं। जैसे आपको पता है कि यदि एक साल एक परिसर है तो उसमें वर्ग 1 के पदों का स्वीकृत किया गया है, अतः इन विद्यालयों में वर्ग 1 का संस्कृत का पद है। कक्षा 9 से 12 के ऐसे विद्यालय जो एक शाला एक परिसर हैं 1 से 12 अथवा 6 से 12 में परिवर्तित हो चुके हैं। कहने का तात्पर्य है पहले वो एक शाला एक परिसर नहीं थे, अब एक शाला एक परिसर के तहत 1 से 12 और 6 से 12 हैं तो वो एक शाला में एक परिसर में परिवर्तित हो चुके हैं। उन विद्यालय में संस्कृत विषय का अध्यापन कक्षा 6 से 10 में होने के कारण वर्ग 2 में संस्कृत का पद स्वीकृत है, अर्थात 6 से 10 में संस्कृत का अध्यापन हो रहा है, तो ऐसे विद्यालयों में वर्ग 2 का पद स्वीकृत कर दिया गया है, अर्थात 6 से 10 के लिए विद्यालय में अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी। उक्त परिवर्तित स्थिति में गत वर्ष 2021-22 में कक्षा 9 से 12 कैटेगरी वाले विद्यालय में वर्ग 1 संस्कृत के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनका स्कोर वर्ग 2 में संस्कृत नहीं होने के कारण वर्ग 3 होने के कारण वर्तमान सत्र 2022-23 से विद्यालय की कैटेगरी होने से वर्ग 2 में संस्कृत के विरुद्ध आमंत्रित नहीं हो पा रहे हैं। उक्त संदर्भ पत्र की खंडिका 2.2 के द्वारा गतिवर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। एक परिसर एक शाला के अंतर्गत 1 से 12 तथा 6 से 12 के विद्यालयों में गतवर्ष वर्ग 1 संस्कृत के रूप में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को वर्ग 2 संस्कृत के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार आमंत्रित अतिथि शिक्षकों को वर्ग 2 में मान्यता प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य जिन विद्यालय में जो एक साल एक परिसर के तहत कक्षा 1 से 12 तक के हैं विद्यालय थे, अब उन विद्यालय में 6 से 10 के लिए भी अतिथि शिक्षक की संस्कृत विषय से भर्ती की जाएगी। यदि उनके पैनल में वर्ग 1 में वर्ग 2 शो नहीं कर रहा है तो वो भी धीर प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात पोर्टल पर अपडेट आ चुका है या आने वाला है। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब एक साल एक परिसर विद्यालय में संस्कृत अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। नमस्कार मित्रों।